आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डाल के तो तूने फाड़ दे। सर जी सर जी, इतने दिन का होता का हो राजा? बड़ा गौर से देखा तारा, आज से पहले तो कहीं भावना ले ला। इतने चेत द्वारा आई राम सर क्या कर दिया? बोला ना। हाय 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 भैया, दो सितारों का मिलन हो रहा जमीन पे आज की रात। रात ना हो, दिन है कि जौन तोर काली कर तू छुप जाई हमरा साले के साथ। ना ना, वो तो सूत के उठल रहनी है, इसे भंगवाल रहनी है, यही से नजरिया गड़बड़ा गई। नजरिया गड़बड़ा गई, मुखिया मेमोरियो डाल के खींच ले। कहानी है ना भैया, वो सूत के उठनी है, इसे भंगवाल रहनी है। तारा लगे ऑलरेडी दूध को बाड़ सन ना, तो फिर तीसरा कहाँ रखबे? तू पहले अपनी ढेबरा के संभाल, हम मैदान जाके आओ। तानी मैदान जा, सूरज भगवान कपाल चढ़ल हमें, पेट ना साफ भइल नजर साफ करत हमें। जवानी चल रहा देता है, मटका चला रहा हूँ। यह शादी भाल हो तो चार पांच केचा केची हो गए हैं अब तक। चला 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 अंदर चला। हे भगवान, जवान साली जान के अभद। क्या हाल बा भाई? बढ़िया भैया। मैडम कहाँ बाड़ी हो? अंदरे हुई हैं। टाइम कितना होता? 3 बजे हुई। कब बाहर आई बू? अब लैला, ओ रिक्शा वाले, तेरा ध्यान किधर है? समय इधर है। अरे मैडम जी, अब बाकी हमार होके वाली, अब मतलब लैला किधर है? या अल्लाह, आपकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। जानते भी हैं, आपकी यही मोहब्बत उसके लिए मुसीबत बन गई है। ना मैडम, हम अपना मोहब्बत के हर मुसीबत ना अपना सर पे ले ले, बाकी अपना मोहब्बत के सर पे आँच ना आवे दे। आँच आ गई है। लैला का मंगेतर भरे क्लास में उसको रुसवा करके चला गया, बेचारी रोते रोते गई है वो। का? हाँ, कहीं मुसीबत के जड़ू अंग्रेजों तो ना है? हाँ वही है, पता है गलत फहमी में जी रहा है वो। वो आपको कृष्णा और लैला को राधा समझता है। कसम से, वो करी गलत फहमी ना, हम सच करके दिखाई। हाँ हाँ, और अगर वो हमारा लैला के आँख में आंसू दहलस ना, तो ओकरा के मच्छर की तरह मसल दे। वो लोग कोई मक्खी मच्छर नहीं है, समझे? अरे इस शहर के नवाब शमशेर खान का इकलौता वारिस है, लंदन से पढ़ के आया है, पहुँची हुई चीज है, दुश्मनी लेने की सोचना भी मत। हाँ तो दुश्मनी के मजा तब है समा मैडम, जब दुश्मन बराबर के होखे। बराबर? अरे ऐसे कहा से तारू, तू हमरा के एरा गेरा रिक्शा वाला समझे लू का? तो और क्या समझे, हम नवाब खानदान से बिलोंग करीला।
अमजद शेख के इकलौता वारिस है हम। अच्छा हाँ। नवाब अमजद शेख के इकलौते वारिस हो? और का नाम क्या है जनाब आपका? हाँ, जैसे उनका नाम लैला हाँ। वैसे हम उनका मजनू, नाम है मजनू। चला था नहीं मजनू रिक्शा वाला नवाब। लैला देखिए देखिए वो आ गया। जिनके दीदार को तरसते रहे हम हकीकत से लेकर सपनों में, आज वो हमें खुद बुलाकर मिलने की जिद कर बैठे। इबाद कुछ समझ में ना आए समा मैडम, कहीं मोहब्बत तो नहीं है? मोहब्बत बड़ी जल्दी में दिख रहे हैं जनाब आप। आपको बुलाया यहाँ इसलिए गया है क्योंकि लैला जी को उस दिन की गलती का एहसास है, आपसे मुआफी मांगना चाहती हैं ये, समझे? जिन्हें हम खुद से भी ज्यादा चाहते हैं उन्हें जरूरत नहीं यूं सरेआम हमसे माफी मांगने की। उस दिन की गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपके लब क्या खुले, बहारों में खुशियां आ गई, आपकी हर लफ्ज दवा बनकर मेरे प्यार के जख्मों को भर गई। ए मोहब्बत, आपकी हर गुस्ताखी मंजूर है हमें, कम से कम इसी बहाने आपका दीदार तो होगा। ये बार बार मोहब्बत मोहब्बत क्या लगा रखे हैं आप? हमने कब कहा कि हमें आपसे मोहब्बत है? मोहब्बत बयां करने की चीज नहीं, ये नजरों से नजरों में बयां होती है। पर हमने अपनी नजर आपकी नजर से कभी मिलाई ही नहीं, फिर आप सरेआम हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हमसे मोहब्बत करना ना मौत को दावत देने जैसा है। आपकी मोहब्बत ने तो मौत का सामना करना सिखा दिया है। हम ठहरे लखनऊ की शहजादी और आप एक रिक्शा चालक, हमारे अब्बू ये सब कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ तो तारा कबूल करके बाना, तारा अब्बू के थोड़ी ना। का समा मैडम? हाय अल्लाह, अब इसमें हम क्या बोले? और हम कौनो एरा गेरा नथू केरा खानदान से ना है, हम नवाब खानदान से बिलोंग करीला। हाँ अरे हम नवाब नवाब अमजद शेख के इकलौता बेटा है हम, हमरो रियासत बा। अच्छा हाँ? जब इतने बड़े खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं तो रिक्शा क्यों चलाते हैं? दरअसल हम अनाथ और गरीब बच्चन से बहुत प्यार करी ले, और ये सब हमारे अब्बू जान के बिल्कुल अच्छा ना लगेला। जब भी हम गरीब और अनाथ बच्चन खातिर खाना पीना या खिलौना लेके जाए तो उसे हमारा अब्बू जान बहुत नाराज हो जाले। एक दिन वो कहलन कि तारा अगर इतने पैसा की कीमत नहीं के तजा अपना मेहनत से कमा तब तो के एक अहमियत पता चली। फिर का ना आओ देखनी ना ताओ, घर से निकल ली लखनऊ आई नहीं रिक्शा उठाओ नहीं और अपन शौक पूरा कर लेनी। मैडम दरअसल हमारा ना गरीब और अनाथ बच्चन के खुशी में ही खुशी मिलेगा। आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये गलत फहमी पालिएगा भी मत। चलिए शमा चलिए। अरे मैडम सुनिए ना, किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, लड़की की ना में ही हाँ छुपी होती है। ए दीवाने, ये इश्क की आग का दरिया है, डूब जाएंगे आप। मैं डूब कर पार कर जाऊंगा, मैं मजार पर आपका इंतजार करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपको मजार पर खींच लाएगी। ये तो नहीं हो पाएगा। भले जिंदगी भर कुआरा रह जाऊं लेकिन मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगा। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।